So we were talking about these books, and I recommended you to go through these books and try to purchase them. अभी कुछ कंसेप्ट्स वी विल बी गिविंग टू यू अबाउट लीडरशिप फ्रॉम अ क्लासिकल पोइट अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल आपको काफी सुनने को मिलेगा मेरे से. एंड वेन एवर आई टीच कोर्सेज लाइक लीडरशिप और एजुकेशनल लीडरशिप, वट एवर यू से, कॉग्निशन, learning and assessment ka course if I teach, Allama Iqbal is almost everywhere. To ye Iqbal ki ek nazm ke teen ashar hain which you can say are about leadership. Unwan hi iska hai, imamat. Imamat means leadership. Tune puchi hai imamat ki haqeeqat mujhse, haq tujhe meri tarah sahib-e-asrar kare. किसी से मुखातिब है अल्लामा इकबाल के, उसने अल्लामा इकबाल से लीडरशिप की, इमामत की हकीकत पूछी कि असल में लीडरशिप क्या है. तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे. यानी ये राज जो है लीडरशिप की हकीकत का राज अल्लामा इकबाल को मालूम था, वो साहिब असरार थे. और हक जो है अल्लाह ताला इकबाल की तरह मुझे और आपको भी इस राज से वाकिफ कर दें, लीडरशिप की हकीकत, अमामत की हकीकत से वाकिफ कर दें. और आगे वो दो शेरों में बताते हैं, और भी शेर हैं इसके, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ दो शेर मेंशन किए हैं. तो लीडर कौन है? है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक. यानी मेरे और आपके दौर का, जिस दौर में भी हम रहते हों, किसी भी दौर का जो इमाम बरहक है, यानी ट्रू लीडर जो है. अब ट्रू लीडर हमारे कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ही आर शी इज अ ग्रेट लीडर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बात की है वो ग्रेट लीडरशिप की बात करना चाह रहे हैं आगे जाके, ग्रेट लीडरशिप इन एजुकेशन इवन. तो है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो क्या करे, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे. हाजिर व मौजूद किसे कहते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. हाजिर व मौजूद वो चीजें हैं, वो अवामिल हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स, जो रूल्स, जो प्रोसीजर्स, जो रवायात, जो नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी हैं, वो हाजिर व मौजूद कहलाएंगे यहाँ पे. जिसमें से कुछ तो ठीक ही होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर जो मुआशरा है या कोई इदारा है, उसमें बहुत सारे ऐसे काम हो रहे होते हैं जो के बेमानी और लायानी होते हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता. वो सिर्फ हमें जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको सबोटाज करने के लिए, या हमारे टैलेंट को दबाने के लिए, या जो असल टैलेंट है उसको ऊपर आने से रोकने के लिए वो चीजें की जाती हैं. तो ऐसे हाजिर व मौजूद, ऐसे नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, जिसको मगरिब की टर्मिनोलॉजी में, सोशल साइंस में कल्चरल सॉफ्टवेयर कहा गया है, कि वो नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी जो मुआशरे में पनप चुके हैं, लागू हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना लिया है, उनसे इमाम बरहक जो है वो तुझे, यानी मेंबर्स ऑफ द टीम को बेजार करेगा. यानी उनसे आप बेजारी का इजहार करेंगे, उनको डिसओन करेंगे. आप बगावत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होगा कि आप इन हाजिर व मौजूद, इन सोसाइटल नॉर्म्स को, इस कल्चरल सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं करना, और आपने जो लाइफ गुजारनी है, अपनी टीम को जो लेके चलना है टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही जाहिर होगी,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी वो SOPs और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें जो कि मुरवजा ऑर्गेनाइजेशन में राइज हैं और जिनको आम लोग जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं। लीडर जो हैं हमेशा दे चैलेंज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग सेटअप। ये चीज़ यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है इस शेर में कि है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। ज़ाहिर है एक मुश्किल काम होता है एक बने बनाए सिस्टम में एक इनोवेशन लेकर आना, क्रिएटिविटी लेकर आना और हाजिर व मौजूद से खुद को भी और टीम मेंबर्स को भी बेजार करके यानी वहाँ से उनकी तवज्जो हटा के एक अपनी स्ट्रेटजी को इवॉल्व करना और एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन देना, एक ऐसी स्ट्रेटजी देना जो कि चैलेंजिंग भी हो, यूनिक भी हो, रिस्की भी हो, तो लीडर का यही तो काम होता है। वरना लगे बंदे पैटर्न्स के ऊपर काम करते रहना, ये तो सभी कर रहे होते हैं। लगे बंदा पैटर्न जो है, जो कल्चरल सॉफ्टवेयर है, उसी को हाजिर मौजूद कहा जाता है। अब जब ऐसा काम करेंगे कि हाजिर मौजूद से बेजारी होगी और अपनी स्ट्रेटजी पे आपको लीडर जो है वो लेके चलना चाह रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि योर लाइफ विल बी स्ट्रगलिंग लाइफ। तो उसको अगले शेर में बयान किया गया है कि मौत के आईने में तुझको दिखा कर रुके दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। यानी आपको जो स्ट्रेटजी दी जाएगी, जो हमने पहले पढ़ा था ना कि वो स्ट्रेटजी होगी एक लीडर जो देगा अपनी टीम को या टीम के साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाएगा और एक्शन प्लान बनाएगा और गोल को अचीव करने के लिए ही नोज द वे एंड ही शोज द वे एंड ही गोज द वे। तो वो नोइंग द वे और शोइंग द वे एंड गोइंग द वे जो है वो शोइंग इट इन द मौत का आईना, मौत के आईने में वो दिखाएगा आपको वो स्ट्रेटजी। रुखे दोस्त का मतलब है आपका टारगेट, जारे शारी के अल्फाज अपने होते हैं, रुखे दोस्त का मीनिंग है आपका गोल, आपकी डेस्टिनेशन, जिसको जो आपको बड़ी महबूब होती है, बड़ी आपको पसंद होती है और आप उसको हर कीमत पे हासिल करना चाहते हैं, अपने महबूब को रुखे दोस्त को देखना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुश्किल से मुश्किल काम भी करने को तैयार होते हैं। तो यानी एक चैलेंजिंग लाइफ गुजारने के लिए लीडर और उसकी टीम जो है वो तैयार होनी चाहिए और लीडर जो है वो तैयार करता है और ज़िंदगी जो है वो और भी दुश्वार हो जाएगी। ये ना समझें कि हाजिर व मौजूद से बेजार होने के बाद जब आप मौत के आईने में अपने टारगेट यानी डिफ़िकल्ट पाथ्स को फॉलो करते हुए, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए, आप जब अपने टारगेट को सामने रख कर, रुखे दोस्त को सामने रख कर, जब आप एक्शन प्लान के मुताबिक एक्शंस लेना शुरू करते हैं, तो ज़िंदगी आपकी और आपके टीम मेंबर्स की और भी दुश्वार हो जाएगी, या वो लीडर कर देगा। और वो इसलिए कर देगा कि एट द एंड यू विल बी हैविंग योर गोल एंड यू विल अचीव दैट गोल, यू विल बी अल्टीमेटली सक्सेसफुल। तो ये वो कंसेप्ट है जो अल्लामा इकबाल ने लीडरशिप का दिया हुआ है। यानी इट इज़ नॉट एन ईजी वे, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू बिकम अ लीडर। एजुकेशनल लीडरशिप या लीडरशिप की टर्म वैसे ही बड़ी अट्रैक्टिव तो बहुत लगती है, लेकिन ये इसमें टू बी अ लीडर इज नॉट दैट ईजी। इसमें ये सारे आपको अंदाज़ा इन एक दो शेरों से हो गया होगा कि मौत के आईने में इस चीज़ को देखना जो है वो कितना मुश्किल है। यानी यू मे डाई इवन फॉर दैट कॉज, फॉर योर अल्टीमेट कॉज विच यू वॉन्ट टू अचीव। तो ये वो कंसेप्ट है जो इकबाल ने लीडरशिप का दिया था। अब हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हुआ है वो है तालीम का। आप चूँकि एजुकेशन की डिग्री ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें जो है सीखने की ज़रूरत है। लीडरशिप का कंसेप्ट जो है वो भी आपको तालीम के ज़रिए ही दिया जाएगा। इवन एजुकेशन लीडरशिप और मैनेजमेंट पे फुल फ्लेज MPhil और मास्टर्स की और MS की डिग्रीज भी दी जाती हैं दुनिया में। हम तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना,
लेकिन इसमें पूरी दो दो साल की डिग्रीज होती हैं, तो ये काम हम कर भी सकते हैं, इस किस्म की डिग्रीज भी ऑफर की जा सकती हैं। तो उसके हवाले से भी इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दुआ, है खून फासिद के लिए तालीम इसलिए बिस्तर, यानी एजुकेशन इज दैट लाइन दैट एरिया विच कैन बी सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, यानी वो बीमारियां वो मसाइल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो चुके हैं उनको दूर करने के लिए, उस खून फासिद को उस गंदे खून को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश्तर चलाना पड़ेगा, एक चाकू चलाना पड़ेगा जो कि तालीम का चाकू है। और जाहिर है जब चाकू चलता है, जब निश्तर चलता है उस जख्म पे तकलीफ तो होती है, तो वो तकलीफ हमें भी और आपको भी उठानी पड़ेगी, और मेरे और आपके और इस कौम के अमराज की दवा जो है वो इसी तालीम को हासिल करने में है कि हम लीडरशिप को अंडरस्टैंड करें और एजुकेशन के जो दूसरे कंसेप्ट हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब इस बैकग्राउंड के साथ एजुकेशन लीडरशिप में किस किस्म की बातें हैं जो हमारे जहन में रखनी हमें जहन में रखनी चाहिए, वो हैं कि डेवलपमेंट ऑफ टीम, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एजुकेशन लीडरशिप की अगर हम बात करें तो फिर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, उसके डेवलपमेंट की बात होगी, उसके टीम की बात होगी, और इसमें जो आपका स्कूल है, जो आपका इदारा है, जो आपका कॉलेज है जिसमें आप टीचर हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या प्रिंसिपल हैं, उसके डेवलपमेंट की बात होगी, और वो स्कूल अपना रोल प्ले कर रहा होगा, और सोसाइटी के जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, जो एजुकेशन को डील करने वाले दूसरे जो हकूमती इदारे होते हैं या जो फैमिलीज होती हैं जिनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, या जो एम्प्लॉयज हैं जो आपके स्कूल में हैं, वो एम्प्लॉयज आ रहे सोसाइटी से आते हैं, तो स्कूल और सोसाइटी का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। दैट वी मस्ट कीप इन अवर माइंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल लीडरशिप, एंड देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच वी कॉल एज अ इंक्वायरी, कि किस किस्म के इश्यूज के ऊपर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस को आप आंसर करना चाहते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन लीडरशिप। तो वो इंक्वायरी बेस्ड लाइफ जो है वो आपको गुजारनी पड़ेगी, और जाहिर एजुकेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज है वो एक इंटेग्रल पार्ट है, एक बहुत पिवटल एलिमेंट है जो करिकुलम और इंस्ट्रक्शन का है, कि व्हाट इज द करिकुलम ऑफ दैट एजुकेशनल सेटअप, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग दैट करिकुलम, इसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, हाउ डू यू एवेल्युएट योर स्टूडेंट्स आर योर कोलीग्स इन देयर वर्क एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर। तो करिकुलम इंस्ट्रक्शन को भी एजुकेशन लीडरशिप के कंटेक्स्ट में एजुकेशन लीडर जो है वो देखेगा। तो इन चारों कंपोनेंट्स के ऊपर एजुकेशन लीडर जो है, या टीचर लीडर या प्रिंसिपल एज अ लीडर, ये सारी टर्म्स यूज होती हैं, प्रिंसिपल लीडरशिप, टीचर लीडरशिप या एजुकेशनल लीडरशिप, इन चारों कंपोनेंट्स को वो ऑब्जर्व करेगा और उनके ऊपर वो बात करेगा। फिर एजुकेशन लीडरशिप मस्ट बी इफेक्टिव, तो इफेक्टिवनेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, कि यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ योर वर्क, योर एरिया, योर एजुकेशन एनवायरनमेंट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट लीडरशिप इज, यू मस्ट बी अ नॉलेजेबल पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स, देन योर ओ अप्रोच शुड बी एन अप्रोच ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सन, so you should be a professional, non professional way mein you must not lead your team or your organization, and your behavior must be reflective. Reflection ka matlab ye hai ki you must be collaborating with your team members, it should be a communication, it should be a relationship with your team members in which it should be a two way traffic. It is not only that you give instructions or commands and you only control your team members. Control ka word, command ka word leadership ke context mein nahi aata.
कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग ये आता है बॉस के कंसेप्ट में। लीडर इज नॉट अ बॉस। मैनेजमेंट मैनेजर जो होते हैं दे मे बी कंसिडर्ड समटाइम्स एज बॉसेस। दे कंट्रोल एंड गिव कमांड्स टू यू। कमांड लाइक डू दिस, डू इट फॉर मी। दीज आर द स्टेटमेंट्स विच आर कमांडिंग स्टेटमेंट्स। लीडर्स इस तरह नहीं करेंगे, अफेक्टिव लीडर्स इस तरह नहीं करेंगे एजुकेशन एनवायरमेंट में। उनकी रिफ्लेक्शन होगी, दे मस्ट बी रिफ्लेक्टिव इन देयर बिहेवियर, कि वो अपने लीडर्स से, अपने टीम मेंबर से भी ओपिनियंस लेंगे और राय लेंगे कि व्हाट शुड वी डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप का मतलब यह है कि दे शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर विद इन अ टीम, विद इन अ डिपार्टमेंट, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Every leader and every team member should take care of each other. और इसमें वही चीज़ आ जाती है जो हमने पीछे एक किताब में डिस्कस की थी, हर्ड लेड लीडरशिप। क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हैं इंडिविजुअल्स के विद इन अ टीम और विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, वो हर्ट बेस्ड होते हैं। रिलेशनशिप्स का ताल्लुक हमेशा दिल के साथ होता है, और वो रिलेशनशिप्स among the team members and between the team members and the leader, वो relationships जो हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए और positive relationships होने चाहिए और encouraging relationships होने चाहिए, और उसमें